और इसी बीच कानपुर नगर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आर्य नगर विधानसभा के बूथ नारायणी देवी पर मीडिया को कवरेज करने से रोका गया है। यूपी पुलिस ने मीडिया कर्मियों के पास होने पर भी उन्हें जाने नहीं दिया। स्वराज एक्सप्रेस को मतदान केंद्र पर गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। सपा के विधायक प्रत्याशी अमिताभ वाजपेयी भी गड़बड़ी की शिकायत पर मतदान केंद्र पहुंचे थे। बड़ी खबर आपको कानपुर सदर से बता रहे हैं, जहां गड़बड़ी को लेकर स्वराज एक्सप्रेस की टीम पहुंची, लेकिन जाने नहीं दिया गया। तो नारायणी देवी बूथ का ये पूरा ये मामला है। स्वराज एक्सप्रेस को गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, उसके बाद अनुमति नहीं दी गई। लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है स्वराज एक्सप्रेस, और गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, बावजूद इसके अंदर नहीं जाने दिया गया और मीडिया को कवरेज करने से रोक दिया गया है। तो सपा के विधायक भी गड़बड़ी को लेकर शिकायत कर चुके हैं। नारायणी देवी बूथ का ये पूरा ही मामला है, जहां स्वराज एक्सप्रेस को भी मतदान के दौरान गड़बड़ी की शिकायत मिली, उसके बाद कवरेज के लिए गए लेकिन अनुमति नहीं दी। वहां पर सवाल पूछा गया कि आखिर क्यों अनुमति नहीं दी जा रही है, तो जवाब नहीं दे पाए जिम्मेदार अधिकारी। नारायणी देवी बूथ का ये पूरा ही मामला है। और ये वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें संवाददाता पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कुछ गड़बड़ी है, क्यों नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है, तो उसका कोई जवाब नहीं है। मीडिया को कवरेज करने से रोका जा रहा है। जाहिर तौर पर गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, उसके बाद मतदान केंद्र पहुंचे लेकिन अनुमति नहीं दी जा रही है। सवाल किया जा रहा है कि आखिर क्यों अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन जवाब जिम्मेदार अधिकारियों के पास नहीं है। अंदर बोर्ड लग गया, फोटो जा रहा है।